हेलो फ्रेंड्स, बुंदेलखंड फूड रेसिपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद तिवारी। और आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी डिश लेकर के आया हूं, एक ऐसी डिश जो कि किसी भी सब्जी में उसको मिक्स बना करके हम खाना बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली उसकी जो डिश होती है वो काफ़ी खाने में टेस्टी होती है, और वो है हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का उपयोग करने वाले हैं, और जो हमारा ऑयल है उसको गर्म होने देते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जीरा डालेंगे, और यहाँ पर मैंने ये बड़ी इलायची ली है, जायफल, तेजपत्ता और थोड़ा सा खड़ा लहसुन लिया है। इनको धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि ये थोड़े थोड़े भुन गए हैं, तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाली है, और बड़ा बड़ा जो हमने प्याज काटा था उसको ऐड कर दिया है, और इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा प्याज था और मसाले थे वो हल्का सा ब्राउन हो गया है, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट टमाटर डाले हैं। मैं बहुत ही साधारण तरीके से इसको बनाना चाहता हूँ, और जैसा कि हमने इसमें टमाटर डाल दिया है तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए हम रखेंगे। तो उसके साथ में इसको जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक का उपयोग करने वाले हैं एक अंदाजे से, और इसको हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि हमारे जो टमाटर हैं थोड़े थोड़े गलने लगे हैं। तो अब इसी बीच हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़रा सी मिर्ची पाउडर, और साथ ही साथ इसमें एक और इसका साथी जो है हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके देखिए आप क्या कलर आया है इसमें, काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, हम इसको मिक्स करने के बाद जो है मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से ढक के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको 2 मिनट देख सकते हैं पका लिया है, और ये देखिए नीचे लगा भी नहीं है। इसका कारण क्या हुआ कि हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और इसको ढक के पकाया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। कभी कभी क्या करना पड़ता है आप लोगों को कि मसाले जलने लगते हैं और जले ना, इसलिए हम उसमें डायरेक्टली बिना सोचे समझे पानी डाल देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हम उसको जो टमाटर डालने वाले हैं तो हम टमाटर पहले ही डाल देंगे, उनको पका देंगे नमक डाल के। तो टमाटर में जो पानी है वो नमक के साथ निकलेगा और मसालों को पकाने में हमारी मदद करेगा। और अब हमें क्या करना है कि हमारे जो बारीक कटे हुए आलू हैं मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। वाह, देखिए आप देख सकते हैं। अब इस सब्जी को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है पानी। क्या होता है कि पानी इसका एक फ्लेवर बना देता है सभी मसालों का। तो यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों इतना पानी डाल दिया है एक अंदाजे के साथ। आप चाहे कम डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दो और पानी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। और अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, उसके बाद चेक करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर एक बार हम इसको चेक करते हैं, करीब हमारे 10 मिनट हो गए हैं और ये ऑयल जो दिख रहा है आपको, ये ख़ास तौर पर तभी आता है जब हमारी जो इंग्रेडिएंट है वो पक चुकी होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लेके एक चम्मच से किसी भी आलू को थोड़ा सा दबा के देखेंगे। हाँ, ये टूट रहा है, बहुत ईजिली टूट रहा है, तो समझिए कि आलू हमारा जो है वो पक चुका है। तो बस जैसा कि हमारा आलू तैयार है, तो इसमें क्या हो है कि अभी थोड़ा सा टाइट भी है ये, तो 2 मिनट इसको और पकाएंगे, उसके बाद फाइनली हमारी जो डिश है बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा आलू टमाटर की सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया पत्ती ली है, इसको डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी और साथ ही साथ धनिया का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसको करेंगे सर्व। तो हम यहाँ पर एक बाउल में इसको अच्छी तरह से सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और स्वाददार सब्ज़ी बन करके यहाँ पर तैयार हुई है। आप लोग इसको अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।